हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं लेके आ गई हूँ नया अच्छा वाला व्लॉग, जो कि हम लोग गए हैं दशहरा के दिन सोमनाथ। हम नवमी को शाम को निकले थे और सुबह सुबह सोमनाथ पहुँच गए हम लोग। और देखिए, अभी जा रहे हैं हम लोग और आज है दशहरा। तो आप सभी को हैप्पी दशहरा, और आप लोग भी अपने घरों में अच्छे से इंजॉय करिए दशहरा। और देखिए, अभी हम लोग दर्शन कर लिए हैं सोमनाथ मंदिर का, बट मैं मंदिर का मैं कुछ भी आपको दिखा नहीं पाऊँगी, क्योंकि वहाँ वीडियो वगैरह करना अलाउ नहीं था। बस मैंने फ़ोटो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और सोमनाथ के दर्शन के बाद हम लोग वहाँ से 80 किलोमीटर दूर निकल गए। और वहाँ से 80 किलोमीटर दूर बहुत सारी चीज़ें हैं, ड्यू है। तो चलिए अभी देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं हम लोग। ड्यू बीच और ड्यू किला वगैरह देखना था, तो उसके लिए निकल गए हैं। बीच में इसके बीच में व्यूज़ बहुत अच्छे थे, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर किया है। और यहाँ पे रुद्र की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो रुद्र थोड़ा सुस्त पड़ गया था, फिर भी इन्जॉय किए हम लोग। इसके बाद हमें हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग आज सुबह से घूम रहे हैं सोमनाथ। तो हम लोग अभी जा रहे हैं द्वीप आइलैंड और शाम तक पहुंच जाएंगे। और उसके बाद हम लोग का कल का भी प्रोग्राम है, तो रात में ट्रेन भी है। और कल हम लोग जा रहे हैं द्वारिका। लेकिन आज मैं जहाँ गई थी वहाँ पर फ़ोटो सेशन या फिर वीडियो नहीं बना सकते, तो मैं कैमरा लेके नहीं गई थी। तो मंदिर में वहाँ नहीं अलाउ था, वहाँ सबमिट ही कर लेते, इसलिए मैं लेके नहीं गई, होटल रूम में छोड़ के गई थी। लेकिन मेरे पास कुछ अगर पिक्चर मैंने ली है, पिक्चर खिंचवाई है हम लोगों की फैमिली, वो मैं आप लोगों के साथ डाल सकती हूँ। और ये देखिए, वहीं पर ये सारी चीज़ें हुई हैं। और बीच में बहुत अच्छा अच्छा जो भी हमको व्यू दिखता है आपको दिखाते जाएंगे और क्या क्या करते हैं। वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और वीडियो आगे हम देखें क्या क्या करते वीडियो में। चलते चलते हम लोगों को इतना लेट हो चुका था कि लंच का टाइम था, तो हमें बहुत भूख लग गई थी और कहीं पे भी हमने ब्रेक नहीं लिया। फिर डायरेक्ट हम
लंच के लिए ब्रेक लेना चाहा तो भैया को बोल दिए, ड्राइवर भैया को, कि हमें कहीं अच्छे रेस्टोरेंट में लेके चलिए। तो आइलैंड के पास में ही था ये रेस्टोरेंट, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा फ्रेश वगैरह हुए और थोड़ा खाना वाना खाया हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग बीच के लिए निकल गए। और ये हम लोग पहुंच गए हैं ड्यू सी बीच, और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ देर रेस्ट लिया और थोड़ा मस्ती वगैरह किए, क्योंकि हमें आगे और डेस्टिनेशन था हमारा, और एक ही दिन का था तो ट्रेन भी थी हमारी शाम को, तो हमें फटाफट सारा चीज़ करके निपटाना था। तो देखिए आगे और कहाँ कहाँ घूमते हम लोग। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो था वो भी पास में ही था, और ये जो है INS खुकरी मेमोरियल शिप जो है यहाँ पे आए थे, और इसके लिए मैंने एक अच्छा सा वीडियो आप लोगों के लिए रेडी किया है, वो बाद में आपको दूंगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारा चीज़ जानकारी ली, बहुत अच्छे से यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई और देखा हमने अंदर पूरा, तो बहुत ही इन्जॉय किया। अगर आप यहाँ पे कभी आते हैं तो इसको ज़रूर ही आप देखिएगा। इसके आगे का जो डेस्टिनेशन है वो है फोर्ट, वो भी पास में ही है, और इसको देखने के बाद हमारी ट्रेन है, तो इसके बाद हमें डिनर भी करना है और ट्रेन में बैठना भी है। कल नेक्स्ट आपको द्वारका रहेगा, तो द्वारका का भी मैं अच्छा व्लॉग वीडियो आपको दे सकूं। और हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छे वीडियो और व्लॉग के साथ, और लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा यार। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।